हेलो एवरीवन, दिस इज़ योर एजुकेटर मानसी गुप्ता। वेलकम टू द नेक्स्ट वीडियो ऑफ रेडी फॉर स्टडी। आज हम क्लास सेवेंथ की साइंस की वर्कशीट करने जा रहे हैं। ये आपकी साइंस वर्कशीट 24 है और इसकी जो डेट है वो है 7 अक्टूबर 2021। ठीक है स्टूडेंट, तो यहाँ पर आपको अपना नाम लिखना है, यहाँ पर आपको अपने साइंस टीचर का नाम लिखना है। ठीक है, आज की जो हमारी वर्कशीट है इसका मेन टॉपिक है डायरिया। ठीक है, आज हम पढ़ेंगे कि बेसिकली डायरिया होता क्या है। ठीक है स्टूडेंट, तो देखो भाई, डायरिया क्या होता है, ये बहुत एक नॉर्मल सी डिजीज़ है जो मोस्टली पता कब होती है, ये होती है आपको बरसात के मौसम में, रेनी सीजन में। ठीक है, इट इज़ अ कंडीशन इन विच अ पर्सन पासेज आउट वाटरी स्टूल्स फ्रीक्वेंटली इज कॉल्ड द डायरिया। ठीक है, यानी कि ये ऐसी प्रॉब्लम है जिसमें जो पर्सन होता है और जिसको ये प्रॉब्लम हो जाती है वो वाटरी स्टूल पास करता है, यानी कि जिसको आप बोलते हो ना भाई लूज मोशन हो रहे हैं, दस्त हो रहे हैं, उसको ही बोलते हैं, ये प्रॉब्लम डायरिया की होती है। ठीक है, हिंदी में से हम दस्त बोलते हैं। ठीक है, नॉर्मली हम लोग दस्त बोलते हैं। इट मे बी कॉज बाय द इन्फेक्शन, फूड पॉइजनिंग और इनडाइजेशन। इसके कारण क्या क्या हो सकते हैं, या तो इन्फेक्शन की वजह से हो सकता है, या फिर फूड पॉइजनिंग की वजह से हो सकता है, या फिर जब आपका खाना ठीक से डाइजेस्ट नहीं होता है तब हो सकता है। ठीक है, डायरिया इज़ अ काइंड ऑफ डिजीज, डायरिया शुड नॉट बी नेग्लेक्ट इवन बिफोर अ डॉक्टर इज कंसल्टेड, द पेशेंट शुड बी गिवन प्लेंटी ऑफ बॉइल्ड एंड कूल्ड वाटर। देखो, पहली बात तो डायरिया को कभी भी नज़रअंदाज नहीं करना चाहिए, क्योंकि बहुत ही हल्की बीमारी नहीं है ये। ठीक है, बहुत ज़्यादा खतरनाक भी नहीं है हालांकि, बट फिर भी अगर डॉक्टर से कंसल्ट ना भी करो आप, तो क्या करना है आपको, गर्म करके पानी को रखना है, ठंडा करना है, फिर उसमें आपको क्या करना है, उसमें आपको नमक मिलाना है और थोड़ी सी शुगर मिलानी है। जब तक शुगर डिजॉल्व ना हो जाए, यानी कि घुल ना जाए, तब तक आप इसे, आपको इसे चलाते रहना है, और उसके बाद जो लिक्विड बनेगा उसको बोलेंगे ORS, यानी कि ओरल रिहाइड्रेशन सॉल्यूशन। ठीक है, ये आपने बहुत सुना होगा, बच्चों को डॉक्टर ORS के पैकेट कर देते हैं। ठीक है, छोटे बच्चों को मिलते हैं, तो ये जो है ORS के घोल होते हैं, और दस्त में ये बहुत काम आते हैं। अब मान लीजिए किसी को दस्त हो गए हैं, यानी कि आपको डायरिया हो गया है, तो उससे कैसे बचना है। ठीक है, ड्रिंकिंग अ लॉट ऑफ क्लीन वाटर, साफ पानी पियेंगे, वॉश योर हैंड बिफोर एंड आफ्टर मील विद सॉप, हाथों को जो है खाना खाने से पहले और बाद में कैसे धोएंगे, साबुन से धोएंगे। ठीक है, अगला है अ केस इन केस ऑफ डायरिया यूज द ORS, और अगर मान लीजिए कि किसी को डायरिया की प्रॉब्लम हो गई है तो क्या करना है, ORS का घोल इस्तेमाल करना है। यूज प्रॉपर सैनिटेशन, मतलब साफ सफाई का विशेष ध्यान रखना है। देखो, ये जो डायरिया का प्रॉब्लम है ना, ये बेसिकली गंदगी की वजह से होता है। ठीक है, अवॉइड ईटिंग फ्रॉम द स्ट्रीट वेंडर्स, जो पटरी वाले होते हैं ना, उनका खाना खाने से आपको बचना है। ठीक है, चलो अगला को आपको देखो, फिर यहाँ पे बता रखा है, कुछ क्वेश्चन दिए हुए हैं, क्वेश्चन आंसर, व्हाट आर द कॉजेज ऑफ डायरिया एंड हाउ कैन वी मेक ORS एट होम। ठीक है, इसके डायरेक्ट आंसर मैंने अपलोड करा है, टेंशन लेने की तो कोई बात ही नहीं है। ठीक है स्टूडेंट, अब देखो, व्हाट आर द कॉजेज ऑफ डायरिया, तो डायरिया के मेन मेन रीजंस क्या हो सकते हैं, तो देखो हम पढ़ेंगे इसके बारे में। मेन कॉजेज ऑफ डायरिया आर इन्फेक्शन बाय द बैक्टीरिया, या तो बैक्टीरिया का इन्फेक्शन हो सकता है, इन्फेक्शन बाय द अदर ऑर्गेनिज्म एंड प्री फॉर्म टॉक्सिन्स, मतलब जहरीला कुछ भी खा रहे थे जिसको आप फूड पॉइजनिंग बोलते हैं, ईटिंग फूड दैट अपसेट द डाइजेस्टिव सिस्टम, कुछ ऐसा खाना खा लेते हो कि आपके जो पेट है ना वो ख़राब हो जाता है, मतलब खाना ठीक से डाइजेस्ट नहीं होता है, पचता नहीं है। ओके, जब आप जरूरत से ज़्यादा मेडिकेशन कर लेते हैं, मतलब आप गलत दवाइयाँ खा लेते हैं। ओके, और क्या होता है, रेडिएशन थेरेपी, कई बार आप जो है डॉक्टर से थेरेपी वगैरह लेते हैं तो उससे भी प्रॉब्लम हो जाती है, किसी किसी को थेरेपी सूट नहीं करती है, तो ये सब कुछ आप कारण लिख सकते हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाउ कैन वी मेक ORS एट होम। अब देखो, कभी मान लो ऐसा सिचुएशन आ जाता है कि आपको ORS अवेलेबल नहीं हो रहा है, ठीक है, तब आप क्या करेंगे ऐसे केस में आप खुद से बना लीजिए, उसको कोई दिक्कत नहीं है। अब देखिए क्या करना है, आपको पानी लेना है, उसको गर्म करना है, उबाल लेना है और फिर उसको ठंडा करना है। ठीक है, फिर उसमें आपको एक चम्मच जो है चीनी मिलानी है, हाफ चुटकी जो है आपको क्या मिलाना है, सॉल्ट मिलाना है, और इन दोनों को मिलाना है जब तक चीनी ना घुल जाए, आपको उसे मिलाते रहना है, और उसके बाद जो एक सॉल्यूशन फॉर्म होगा वो आपका ORS घोल होगा। ठीक है बच्चे, बस ये आपकी वर्कशीट इतनी थी, सॉल्यूशन आपके ये छोटे से थे। अगर ये वीडियो अच्छा लगता है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट करके मुझे भी बताइएगा कि वीडियो कैसा लगा, और अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर करना है। ठीक है, और अगर चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करना मत भूलना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट वर्कशीट के साथ, तब तक के लिए थैंक यू सो मच, बाय बाय।